हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट मैथ। अपना चैप्टर चल रहा था 8th चैप्टर, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो लास्ट जो वीडियो थी हमने उसमें क्वेश्चन नंबर कर लिए थे 23 तक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, ए 12 मीटर हाइट। ऐसा एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, है ना, जिसमें ट्री ब्रोकन होता था। तो ये भी सेम ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है कि देखो, ए 12 मीटर हाइट ट्री ब्रोकन ड्यू टू विंड सच दैट इट्स टॉप टच द ग्राउंड एंड मेक एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखो इसमें हमें जो 12 है ना, उसकी जो ट्री है ना, उसकी हाइट दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 24, एक ट्री है जिसकी हाइट है 12 मीटर, यानी ये कंप्लीट जो ट्री है यहाँ से यहाँ तक, इसकी हाइट कितनी गिवन है हमें, हमें गिवन है 12 मीटर। अब ये कह रहा है कि ट्री ब्रोकन ड्यू टू विंड सच दैट इट्स टॉप टच द ग्राउंड एंड मेक्स एंगल 60 डिग्री। तो ये क्या होता है, तेज हवा के कारण क्या होता है, ये ट्री टूट जाता है, ये जो पेड़ है बीच में से कहीं टूट जाता है, और यहाँ कहीं ग्राउंड पे कहीं पे भी आके जब ये हिस्सा ऐसे गिरेगा, यहाँ से मान लो ये क्या हो गया, टूट गया, और ये ऐसे आ गया। तो इसने कितने डिग्री का एंगल बनाया, यहाँ यहाँ उसने क्रिएट किया 60 डिग्री, है ना, ही मेक्स 60 डिग्री एंगल विद द ग्राउंड। ठीक है, एक पेड़ था, जैसे ये एक पेड़ है, यहाँ से टूट के इधर आके गिर गया, तो ये ऐसे गिरेगा, जैसे अब ये पेड़ क्या हो गया, ऊपर वाला हिस्सा इधर आके क्या हो गया, गिर गया। तो उसने एंगल बना लिया कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, है ना, ही मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। Find what the height from the ground did the tree break? अब हमें बताना है कि ये वाली जो height है ना, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से tree क्या हुआ, break हुआ, हमें वो find करनी है। तो देखो इसमें हमें कुछ भी नहीं दिया गया, केवल एक tree की height दी गई है, और base तो हमें इसमें कुछ दिया ही नहीं है, और ना ही हमें इसमें base की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखो complete जो था वो यहाँ से यहाँ तक तो हमें tree given है, कितने का, 12 मीटर। तो हम क्या कर लेते हैं, नंबर डाल लेते हैं, देखो ए बी सी, इसको यहां से यहां तक एच, क्लियर, लिख लेते हैं, लेट ए बी इक्वल टू एच। अब देखो ये जो बी सी है, देन बी सी इक्वल टू 12 माइनस एच, ये यहां से यहां तक, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे, कितने मीटर का है, 12 मीटर का है। जब हमने इसको h मान लिया तो इसको कितना मानेंगे, 12 माइनस h, क्योंकि 12 में से क्या माइनस हो जाएगा, h। जैसे मान लो ये अगर 3 है तो ये 12 माइनस 3 9 आ जाएगा, ये अगर 4 है तो 12 माइनस 4 8, है ना। तो हमें, हमने इसको h माना और इसको कितना मान लिया, 12 माइनस h मान लिया। ठीक है, तो देखो अब हमें किसकी बात करनी है, केवल हाइपोटेनियस और मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की बात करनी है। किसकी बात करनी है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की बात हो तो किससे करते हैं, हम साइन थीटा से, किससे करते हैं, साइन थीटा से। तो देखो हम इसे साइन थीटा से ही करेंगे, सब एक ही ट्रायंगल है इसमें, तो दो बार लेने की जरूरत है ही नहीं, केवल कितनी बार लेना है, एक ही ट्रायंगल लेना है। तो देखो ट्रायंगल ए बी सी, वैल्यू ऑफ थीटा इज 60 डिग्री, इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 12 माइनस एच, वैल्यू ऑफ साइन 60 इज अंडर रूट 3 अपॉन 2, एच अपॉन 12 माइनस एच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2h इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 2 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई इससे, तो अंडर रूट 3 एच। ठीक है, सिंपल, वैल्यू पुट की, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा, वैल्यू ऑफ साइन 60 रूट 3 अपॉन 2, ये सेम, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई देखो एच का 2 से 2h, 3 का 12 से और 3 का ही h से, तो देखो ये भी h, ये भी h, क्या कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, h को हम इधर ले आते हैं। ठीक है, देखो 2h माइनस इधर आके प्लस 3h इक्वल्स टू में 12 रूट 3, क्लियर, h और h कॉमन आ जाएगा, 2 प्लस में रूट 3।
अपॉन 12 रूट 3। अब देखो चाहो तो यहां से किसकी वैल्यू पुट कर देना, रूट 3 की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। चाहो तो देखो क्या करना है, अब ये मल्टीप्लाई में, किसमें, मल्टीप्लाई में कैसे कर दो, चाहो तो दोनों बोथ साइड क्या रख दो, वैल्यू ऑफ रूट 3। तो यहां से तो तुम अपने हिसाब से है ना, जैसे तुम आपको कैलकुलेशन कैसी लगे, इजी लगे, जैसी आप चाहो वैसे कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो कितने खूब सारे टाइप हैं, क्या करना है, यहां रूट 3 की वैल्यू और यहां रूट 3 की वैल्यू पुट कर दो, इसका इसमें क्या दे दो, डिवाइड, या फिर क्या करो इसके नीचे इसको ऐसे कैसे ले आओ, फिर क्या कर दो, नीचे रूट वाला नंबर है और फिर क्या कर दो, रेशलाइजेशन कर दो। तो रेशलाइजेशन करेंगे ना तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं रूट 3 की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ भी और यहाँ भी। तो देखो h इक्वल टू, इसको नीचे भी ले लेते हैं, रूट 3 की वैल्यू, देखो रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 3.372। सेम इधर देखो 12 × 1.732 अपॉन 3.732, ठीक। और या फिर क्या कर सकते हो, वही इसको इसके ऐसे कैसे नीचे लेके क्या कर सकते हो, रेशलाइजेशन भी कर सकते हो ना, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, फिर जो नीचे डिनोमिनेटर में जब भी क्या आ जाता है रूट की कोई भी नंबर आती है तो हम क्या कर लेते हैं, रेशलाइजेशन कर लेते हैं। तो ऐसे ही उसका रेशलाइजेशन कर लेना, ठीक है। अब देखो इसका इससे चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आता है, ये 20/674 क्या आया इसमें, 20.674, और इसमें डिवाइड दे दो किसी का, चाहो तो तुम कैसे ही कर सकते हो जैसे तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। देखो एक एक टाइप तो ये है, और अगर तुम वैसे करना चाहो रेशलाइजेशन से तो देखो कैसे करेंगे, h इक्वस टू 12 √3 रेशलाइजेशन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, 12 − √3 / 12 − √3। अगर ऐसे तुम्हें आदत पड़ी हुई है ऐसे करने की, ऐसे ही लगता है तो ऐसे कर लो। देखो h 12 √3 × 12 = 24 √3, 12 का रूट 3 से तो ये 12 √3 √3 3, तो 12 sin − ये हो जाएगा 36। सेम a + b a − b, एक स्क्वायर यानी 144 माइन ये माइनस 3, क्लियर, a² − b² चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, a² − b² से कर सकते हो ना। तो ये 12 है, सॉरी ये है 2 + √3, कितना था 2 + √3, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 और a² ये है −3, तो इसको सॉल्व कर देंगे 24 × 1.732 − 36। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आएगा कितना, 41.569। इसमें से माइनस करेंगे 36 तो आ जाएगा 5.569, ये आ गया अपना आंसर, कितना आ गया 5.569 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। एक टाइप तो है ये, कौन सा, रेशलाइजेशन करने के बाद, कौन सा है, रेशलाइजेशन करने के बाद। चाहो तो तुम बिना रेशलाइजेशन के भी कर सकते हो ना, कोई जरूरी नहीं है इसका रेशलाइजेशन करना। तो ये जैसे अपना इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 20.784 आएगा ना, अभी हमने किया था यहाँ कितना आया था 20.784 अपॉन में है 3.732, इनका डिवाइड देंगे जब भी 5.569 मीटर, ठीक है। यहां से इसको सॉल्व करने के टू टाइप है, तुम्हें जोन सा इजी लगे, या तो यहां सीधा क्या कर दो रूट 3 की वैल्यू कर रख पुट कर दो, रूट 3 की वैल्यू पुट करते ही मल्टीप्लाई, यहाँ भी रूट 3 की वैल्यू पुट कर दी तो 2 + 1 हो जाएगा 3.732,
और इस दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 20 ये आ गया, और इसमें इसका डिवाइड देने पर ये आ जाएगा। चाहो तो फिर रेशलाइजेशन से भी कर सकते हो, जैसे तुम्हें चाहे, जैसे तुम्हें अच्छा लगे ना इन दोनों में से कि कौन सा टाइप जो तुम्हें इजी कैलकुलेशन लगती है वो ही कैलकुलेशन करें, है ना, जो तुम्हें इजी लगती हो। अपना क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। क्वेश्चन 25, देखो क्वेश्चन 25 है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, है ना। जैसे देखो एक क्वेश्चन नंबर एक, ये टावर है और यहां एक क्या है, ये स्ट्रेट हाईवे है ना, हमें केवल ट्रायंगल के हिसाब से बनाना है, ऐसे कंप्लीट स्ट्रेट हाईवे और ये टावर थोड़ी बनाते हैं, है ना। तो ये हमने कोई एक हाईवे और ये क्या है, एक क्या है, टावर है, जो उसके कहां से, जो हाईवे ना ये उस टावर के नीचे से होके निकल के जा रहा है, कहां से, नीचे से। जैसे अगर तुम बनाना चाहो तो जैसे जैसे ये ऐसी बिल्डिंग नहीं होती क्या, ये और नीचे इनमें गैप होता है, तो यहां से क्या है, एक हाईवे निकल के जा रहा है, ठीक है। तो इसको हमने कैसे बनाया है कि ये हाईवे, ये एक टावर है जो इसके नीचे से निकल के जा रहा है। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स to the foot of a tower, a man standing on the top of the tower observing a car the angle of depression of 30 degree. तो यहाँ पे कोई आदमी है जो ऑब्जर्व कर रहा है कि यहाँ से एक कार आ रही है, क्या आ रही है, कार, और उसका जो एंगल है वो बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता तो ऐसे है 30 डिग्री है ना, पर ये और ये एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट हैं, तो ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, ठीक है। Which is approaching the foot of the tower with the uniform speed 6 seconds later the angle of the depression of car is found to be 60. Find two time taken by the car reach of the foot of the tower from the point. देखो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, है ना, उसमें 10 seconds थे, इसमें क्या है 6 seconds, कितना है 6 seconds। देखो अब उसने कहा है, देखो क्वेश्चन को एक बार फिर समझो कि एक हाईवे आ रहा है टावर के फुट के नीचे से, है ना, यानी हाईवे के नीचे से जा रहा है वो, तो एक आदमी उस टावर पे खड़ा हुआ है और वो ऑब्जर्व करता है कि एक कार का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का, कितने का, 30 डिग्री का, लेकिन 6 seconds लेटर, 6 seconds के बाद वो ही एंगल कितने डिग्री का हो जाता है, 32, मतलब 30 से वो कितने का हो जाता है 60 डिग्री का एंगल, कितने डिग्री का हो जाता है 60 डिग्री, और टाइम कितना लगा उसे 6 seconds, कितना टाइम लगा 6 seconds। अब वो पूछ रहा है कि उसे यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो हम इसे ले लेते हैं x और ये h, तो a b c इसको मान लेते हैं हम d, वही लेट a b इक्वल्स टू h, BD equals to X and DC अपने पास है ही कितना 6 seconds, कितना है 6 seconds। अब हमें ये यहां से यहां तक इसको पहुंचने में जो टोटल टाइम लगा उसको कैलकुलेट करना है कि उसे यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो देखो सबसे पहले 1060 ये ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल A B D 1060 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस क्या है x, वैल्यू ऑफ 60 √3 h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई h इक्वल्स टू में √3 x, क्लियर। अब सेकंड ले लेते हैं कंप्लीट वाला, जैसे हर क्वेश्चन में किया है ऐसे ही है, कोई अलग नहीं है इसमें भी, है ना, ट्रायंगल ए बी सी, अब क्या हो जाएगा वही, वैल्यू ऑफ थीटा इज 30 डिग्री, परपेंडिकुलर सेम एंड बेस हो जाएगा x प्लस
6. Value of tan 30 is 1 upon root 3. X plus 6. Cross multiply. ये हो जाएगा रूट थ्री एच इक्वल टू एक्स प्लस 6. ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड. एच की वैल्यू पुट कर देते हैं रूट थ्री एक्स. कितनी? रूट थ्री एक्स. तो देखो रूट थ्री एक्स किसकी वैल्यू पुट करते हैं? एच की. किसकी? एच की. तो देखो रूट थ्री इधर से माइनस आएगा तो कितना हो जाएगा? 2 सेकंड, मतलब 2h हो जाएगा. इसमें डिवाइड देंगे तो 3 सेकंड आ जाएगा. कितना आ जाएगा? 3 सेकंड. देखो लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन 1 to 2 सेकंड, है ना. इक्वेशन फर्स्ट से कहां पुट कर देते हैं? इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं. तो मैं इसको इधर सॉल्व कर लेता हूं. रूट थ्री वैल्यू ऑफ एच इज रूट थ्री एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 6. रूट थ्री 3x इक्वल टू एक्स प्लस 6. इधर माइनस करेंगे तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 6. 2x इक्वल टू 6 एंड एक्स इक्वल टू 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू में 3. तो अब देखो यहां से यहां तक 6 सेकंड और यहां से यहां तक 3 सेकंड, ठीक है. तो उसे कितना टाइम लग गया? 3 सेकंड लगा. कितना सेकंड लग गया? 3 सेकंड. ये अपना कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 25. तो ये हो गया एक्स इक्वल टू 3 सेकंड, ठीक है. तो अब इसमें लिख देंगे, है ना. हेंस द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इक्वल टू में 3 सेकंड, है ना. तो उसे कितना टाइम लगा टावर तक रीच होने में? 3 सेकंड. यहां से यहां तक 6 और ये यहां से यहां तक 3 सेकंड. सिंपल है ना. जैसे पहले सारे क्वेश्चन थे वही सेम था. ये पार्ट गिवन है हमें, ये फाइंड करवाना है. तो कोई बात नहीं है. दो क्या हो गए? 2 ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकंड कंप्लीट ट्रायंगल. फर्स्ट हमने ये ट्रायंगल लिया, यहां से एच इक्वल टू में रूट थ्री एक्स आ गया. फिर ये लिया, यहां से ये इक्वेशन आ गई, एच की वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व कर दिया. क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट, है ना. तो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, कुछ इनमें अलग है नहीं. क्वेश्चन नंबर 26. तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है. द एंगल ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम टू पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस. हाँ, ये वही क्वेश्चन है ना जो अपन ने एग्जांपल किया था ना. एग्जांपल नंबर किया था अपन ने 6, ठीक है. तब मैंने तुमको बताया था इसको सॉल्व करके, है ना. तो ये इजीली हो जाना चाहिए, पर फिर भी अगर तुम चाहते हो एक बार इसको करना तो ठीक है, एक बार और करा देते हैं. देखो द सिंपल क्वेश्चन है कि ये एक है, अपने पास 2 डिस्टेंस दी गई हैं. ये यहां से यहां तक कंप्लीट, जैसे ए बी सी डी, ये कंप्लीट दी गई है 9 और ये यहां से यहां तक 4 मीटर सेंटीमीटर, इट्स मीटर मीटर. अब हमें क्या फाइंड करना है? एच फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? H. और हमें एंगल गिवन है, वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल गिवन है, है ना. जैसे ये है थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा. हाँ, तो ये तुम ऐसे लिख सकते हो, लेट ए बी इक्वल टू एच एंड एंगल डी इक्वल टू थीटा, देन एंगल सी इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा. क्लियर? तो वही सबसे पहले
टेन, कोई सा ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल लेना चाहते हो तो यही ले लेते हैं, 90 माइनस थीटा, यहाँ लिख लेना ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस एच अपॉन 4, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा एच अपॉन 4, इक्वेशन फर्स्ट ट्रायंगल ए बी डी, टेन थीटा की वैल्यू है थीटा ही है वही, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज 9 मीटर, यहाँ 4 था यहाँ 9 मीटर, तो इक्वेशन सेकंड। तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो टेन थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट थीटा से एंड एच अपॉन 4 मल्टीप्लाई एच अपॉन 9, तो टेन थीटा कॉट को चेंज कर देते हैं 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू एच इंटू एच, एच स्क्वायर अपॉन में 9 फोर जा 36, 10 से 10 कैंसिल, अपने पास आ गया 1 इक्वल्स टू एच अपॉन 36, इस 36 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 36 इक्वल टू एच स्क्वायर एंड एच इक्वल्स टू अंडर रूट 36, देन एच इक्वल्स टू 6 मीटर, तो मीटर हैंस प्रूफ। ये हमको इसमें प्रूफ करना था ना, जैसे जो अपना एग्जांपल था ना उसमें हमें क्या प्रूफ करना था, अंडर रूट ए बी, मैंने उसमें बताया था ना कि क्या करना होता है, केवल इसका और इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लगा देना है, क्या आ जाएगा एच की वैल्यू आ जाएगी, यानी हाइपोटेनियस आ जाएगा ना। ये हमने एग्जाम्पल भी सोल्व किया था, सेम टू सेम है वो एग्जाम्पल भी, है ना, केवल यहाँ 4 की जगह ए है और 9 की जगह बी है और कोई भी चेंज नहीं है इस क्वेश्चन नंबर 26 में और उस एग्जाम्पल में, सेम है बिल्कुल डिट्टो, केवल ये ए और ये बी और आंसर उसका आता है अंडर रूट ए बी। जैसे यहाँ अगर हम ए बी होता ए और बी तो वो क्या होता, अंडर रूट ए बी रह जाता, लेकिन यहाँ 36 का क्या हो गया 6, और हमें इसमें प्रूफ करना था कि जो हाइट है वो क्या होगी, प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, क्या करना था हमें प्रूफ करना था और वो हमने प्रूफ कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, ऑन वन साइड ऑफ ए रोड ए टावर इज सिचुएटेड एंड ऑन अदर साइड ए बिल्डिंग इज सिचुएटेड, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द बेस एंड बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड रिप्रेजेंटिंग 45 and 60. If the height of the building is 12 meter, then find the height of the tower. हमें क्या करना है? Tower की height find करनी है. किसकी? Tower की height find करनी है. देखो simple सा है कि एक tower है और एक क्या है? मतलब एक तो है इसमें क्या है? एक side में tower है और दूसरी end ऑन साइड रोड ए टावर इज सिचुएटेड ऑन द अदर साइड ए बिल्डिंग इज सिचुएटेड एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन, हमें जो हाइट दी गई है वो किसकी दी गई है? बिल्डिंग की, यानी बिल्डिंग छोटी है, है ना, और टावर क्या होता है? बड़ा। तो देखो ये एक 12 मीटर की बिल्डिंग है, कितने की? 12 मीटर की, है ना। उसने कहा है कि एक रोड के साइड में बिल्डिंग और एक है टावर, टावर की हाइट है 12 मीटर। अब वो कह रहा है कि जो एंगल बन रहे हैं ना वो कितने के बन रहे हैं, एक तो बन रहा है 45 का और एक बन रहा है 60 का, ठीक है, ये अपन एक क्या बना देते हैं, टावर, ठीक है। यहीं से
ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे तो इसके साथ हॉरिजेंटल के, लेकिन क्या होते हैं ये सेम होते हैं ना, हमने पहले ही बताया हुआ है एंगल ऑफ एवोल्यूशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, कैसे होते हैं इक्वल। तो एक बन रहा है 45 डिग्री और एक 60 डिग्री, जैसे ये तो हो गया 45 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, देखो वो क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट एंड बेस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आर रेस्पेक्टिवली 45 एंड 60। ठीक है, उसने क्लियर कहा है कि जो टावर है उसके टॉप से, एक उसके बिल्डिंग के टॉप पर और एक बिल्डिंग के टॉप पर, है ना, तो बिल्डिंग के फुट पर, तो जो बिल्डिंग का टॉप है उस पर 45 और जो बिल्डिंग का फुट है यानी बेस है उस पर 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और ये हमें 12 मीटर गिवन है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 12 मीटर, और ये हम यहां से यहां तक एच लेट कर लेते हैं एच। देखो ये एच मतलब ये हमने लेट किए एच, तो ये भी कितनी होगी एच, यानी ये और ये इक्वल होगी क्योंकि एंगल कितना है 45। देखो नाम डाल लेते हैं सबसे पहले ए बी एंड सी, क्या डाल लिया हमने ए बी सी एंड एक बार ट्रायंगल लेंगे हम डी और ई। देखो दो ट्रायंगल हैं इसमें भी, कितने ट्रायंगल हैं दो ट्रायंगल हैं। ठीक है, तो देखो मैंने पहले कहा एक में तो एच इक्वल टू एक्स क्लियर आ ही जाएगा, ये एच है तो ये कितना आ जाएगा इक्वल एक्स, तो देखो इसको एक्स या फिर इसको किसी को क्या कर लो एक्स, क्योंकि दोनों बेस हैं और दोनों क्या है इक्वल। देखो सबसे पहले ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी लिख लेना है ना, कि लेट ए सी इक्वल्स टू एच एंड बी सी इक्वल्स टू एक्स, है ना, और सी ई इक्वल होगा किसके बी डी के, किसके इक्वल होगा बी डी के, कितने 12 मीटर। ठीक है ना, क्योंकि ये जितना होगा उतना ही ये होगा, ये हम कई सारे क्वेश्चनों में कर चुके हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी 10 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस वैल्यू ऑफ 45 इज 1 एच अपॉन एक्स देन एच इक्वल एक्स, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, एच किसके इक्वल आ गया एक्स के। सेकंड क्वेश्चन ट्रायंगल ए डी ई, अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे ए डी ई, एंगल ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा इज 60 परपेंडिकुलर एच प्लस 12 H प्लस 12 अपॉन X। देखो सेम जैसे किया, ये ट्रायंगल लिया 10 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब पुट कर देते हैं वैल्यू ऑफ 10 60, वैल्यू ऑफ 10 60 इज रूट 3 एच प्लस में 12 अपॉन में X क्रॉस मल्टीप्लाई रूट 3 X इक्वल टू H प्लस 12। क्लियर, हमें x की वैल्यू पुट कर दो चाहे h की वैल्यू किसी की वैल्यू पुट कर दो। देखो अगर तुम यहां किसकी वैल्यू पुट कर दोगे x इक्वल्स टू में क्या है इक्वेशन फर्स्ट से h है, तो हम देखो यहां अगर h पुट कर देते हैं तो ये h इधर आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो देखो पुट कर देते हैं वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू सेकेंड, फर्स्ट से सेकेंड में कर देते हैं, तो रूट थ्री एक्स इक्वल है एच के, तो एच प्लस 12 एच ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं रूट थ्री एच माइनस एच इक्वल टू 12 एच, जैसे अब तक करते हैं एच कॉमन ले लेंगे, यहाँ से रूट थ्री माइनस 1 इक्वल टू 12 और एच इक्वल टू 12 अपॉन रूट थ्री माइनस 1 कितना आ गया 12 इक्वल्स टू आ गया अपना रूट 3 माइनस 1। तो देखो जब भी हमने ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं, मैंने पहले ही बताया हुआ है, जब भी क्या आ जाए डिनोमिनेटर में रूट का नंबर आ जाए, क्या आ जाए रूट का नंबर आ जाए डिनोमिनेटर में, तो हम हमेशा क्या कर लेते हैं
रेसलाइजेशन, ठीक है। तो मैं इसको यहां से करता हूं, देखो h इक्वल टू 12 अपॉन रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, क्लियर। 12 रूट 3 प्लस 1, ये रूट 3 है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, जब भी हम रेशलाइजेशन करते थे ना तो डिनोमिनेटर में तो हमेशा ए की फॉर्मूला बनता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 आएगा, कितना आएगा 2। तो मैं सीधा ही लिख देता हूं 2, कितना लिख देता हूं 2, ठीक है। तो देखो 2 लिख देंगे तो अब कितना रह गया अपने पास, अपना अपने पास रह गया देखो 12 रूट 3, कितना है इधर, इधर है 12 रूट 3 प्लस 1, जो 12 है वो रूट 3 प्लस 1 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो सिंपल सा है, रूट 3 की क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना, रूट 3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1.732 और इसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 2 से, मतलब 1 प्लस हो जाएगा तो 2.732, ठीक है। कैसे ही कर लो, देखो सबसे पहले चाहो तो इसको इससे कट भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, 6 रूट 3, वैल्यू ऑफ रूट 3 1.732 और उसमें 1 पुट कर देते हैं तो 2.732। अब 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 2 12 कैरी 1, 18 कैरी 1, 19 कैरी 1, 42 एंड 1 43 कैरी 4, 6 12, 12 प्लस 4 16, आंसर इज 16। कितना आंसर आ गया इसका, अब देखो हमने पुट, ये किसकी वैल्यू आई है अपने पास, अपने पास वैल्यू आई है h की, किसकी वैल्यू आई है, h यहां से यहां तक, h इक्वल्स टू 16.392। लेकिन हमें फाइंड क्या करनी थी, हमें फाइंड करनी थी हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट फाइंड करनी थी। तो देखो टावर की हाइट कहां से है, यहां से लेकर यहां तक, तो मैं इधर लिख देता हूं, हाइट ऑफ टावर इज 16.39 प्लस में ये कितना है यहां से यहां तक 12, तो 28.39 मीटर, तो मीटर एंड सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, ये अपने पास मीटर में था, ये सेंटीमीटर में था, मीटर में था ना, तो ये 392 कंप्लीट लिखना चाहो तो कंप्लीट लिख लेना, इतना लिखना चाहो तो, ठीक है। सेम है, ऐसे क्वेश्चन हम काफी कर चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, डायग्राम अच्छे से बनाना है। देखो एक उसने कहा है कि एक रोड की तरफ एक बिल्डिंग सिचुएटेड है और एक दूसरी तरफ टावर, टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप पर एंगल है 45 एंड टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पे है एंगल 60 डिग्री, और जो अपने पास बिल्डिंग है वो गिवन है कितने की, 12 मीटर की। तो हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ टावर, तो ये डायग्राम बन जाएगा। सबसे पहले ये ट्रायंगल लिया, यहां से तो देखो क्लियर पता चल जाता 45 का एंगल होते ही, परपेंडिकुलर एंड बेस आर इक्वल 45 डिग्री के एंगल पर, तो h इक्वल टू में x, ठीक है। दूसरे में ये ट्रायंगल लिया, परपेंडिकुलर तो अपने पास क्या है h प्लस 12 और x क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया, यहां से वैल्यू पुट कर दी x इक्वल टू में h, क्योंकि हमें h की वैल्यू पुट निकालनी है तो x की जगह h, ये हमेशा ऐसे किया हमने, इस h को इसका इधर क्या कर लिया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, h कॉमन लिया, रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 12 h, इसका इसमें डिवाइड दे देंगे। जब भी क्या आता है डिनोमिनेटर में रूट का नंबर आता है तो हम रेशलाइजेशन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, रेशलाइजेशन। तो 12 रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 12 रूट 3 प्लस में 1, तो 2 से इसको काट दिया 6 और इसकी वैल्यू 1.732, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 2.732, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, ये आ गई h की वैल्यू, हमें निकालनी थी कितनी, यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो अपने पास ये आ गई और ये अपने पास 12 है, इन दोनों का क्या कर दिया उधर ऐड कर दिया, क्या कर दिया
ऐड कर दिया। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा क्वेश्चन हो गया? 27। तो इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो अब हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, इफ द एंगल ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द सन चेंज 30 to 60, देन फाइंड द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए 15 मीटर हाइट पिलर एट बोथ दीज एंगल ऑफ एवोल्यूशन। देखो एक 15 मीटर हाइट का पिलर है, कितने का? 15 मीटर। तो सबसे पहले एक पिलर हमेशा परपेंडिकुलर, 15 मीटर हाइट, ठीक है। एंगल इसमें भी वही, पहले एंगल 30, फिर एंगल 60। देखो पहले ही मैं कई सारे क्वेश्चन में बता चुका हूँ, देखो या तो हमें ये गिवन होगा या हमें ये वाला पार्ट या ये, इन दोनों में से एक कोई, ये तीन ट्रेंग देखो तीन है, या तो ये बेस या इसका बेस या फिर हमें परपेंडिकुलर, कुछ एक गिवन होगा और हमें एक फाइंड करवाया जाएगा। तो देखो हर क्वेश्चन में हमें किसी में ये गिवन है, किसी में हमें ये गिवन है, मोस्टली क्वेश्चनों में या तो ये गिवन है या फिर ये गिवन है। तो इसमें अब हमें ये गिवन है, क्या फाइंड करवाया है? ये फाइंड करवाया है, ठीक है। तो देखो वही ए बी सी डी। देखो अगर तुम चाहो तो एक बार मैं और क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझा देता हूँ कि इफ द एंगल ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ सन, सन का क्या है एंगल ऑफ एवोल्यूशन है, वो चेंज हो गया कितना? 30 to 60 degree में चेंज हो गया है ना, 30 to 60। देन फाइंड द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द शैडो, तो उनकी शैडो की हाइट, मतलब पहले यहाँ से यहाँ तक शैडो की हाइट थी, फिर यहाँ हो गई, तो उसमें कितना फर्क आया, मतलब ये फाइंड करनी है हमें कि कितना उसमें क्या हुआ, डिफरेंस आया, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, ये फाइंड करनी है। तो देखो इसको हम क्या मान, लेट कर लें x, इसको लेट कर लेते हैं y, ठीक है। ये अपने हिसाब से किसी को इसको x, इसको y, किसी को कुछ भी लेट कर सकते हो, और यहाँ उसको लिख लेना बस, लेट बी सी इक्वल टू x एंड सी डी इक्वल टू y, ठीक है। वही सबसे पहले, कोई भी सबसे पहले ये ट्रायंगल ले लो, कोई सा ले लो जो चाहो, ट्रायंगल ए बी सी, वैल्यू ऑफ थीटा इज 60 degree, क्या होता है परपेंडिकुलर 15 मीटर अपॉन बेस x, वैल्यू ऑफ 60 √3, 15 अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो ये हो जाएगा √3x इक्वल्स टू में 15, ये इधर आके मल्टीप्लाई, तो x इक्वल्स टू 15 अपॉन √3, ठीक है। जब भी रूट में नंबर आए तो मैंने पहले कहा है डिनोमिनेटर में रूट आते हैं, √3 का मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 3 से इसको कैंसिल करेंगे, देखो √3 का 5 में डिवाइड दे देंगे, तो 5 इंटू √3 √3, ये क्या आ गया x की वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है y की, किसकी? y की। देखो अब ट्रायंगल लेंगे कंप्लीट, ट्रायंगल ए बी डी, वैल्यू ऑफ थीटा 30 degree, ये ट्रेंगल लिया जब थीटा 60, ये एंगल लिया जब थीटा 30, वही परपेंडिकुलर 15 अपॉन बेस, बेस होगा x प्लस वाई, क्या होगा x प्लस वाई, जैसा हर क्वेश्चन में है वैसा ही सेम टू सेम यहाँ है, वैल्यू ऑफ tan 30 1/√3 15 अपॉन x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई 15√3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इक्वेशन सेकंड, ये अपने पास थी इक्वेशन फर्स्ट। एक्स की वैल्यू अपने पास है तो एक्स की वैल्यू क्या कर देते हैं,
पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं पुट, तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकंड, है ना, इक्वेशन फर्स्ट से किसमें पुट कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड में, तो 15√3 इक्वल 5√3 प्लस वाई। अब वाई की वैल्यू पुट, देखो हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू, वाई की, क्योंकि यहाँ से यहीं तक का डिफरेंस निकालना है। उसने कहा कि कितनी वो डिफरेंस आया, यानी कितनी कम हुई है ना, वो जो शैडो थी उसकी कितनी कम हो गई जब एंगल चेंज हुआ 30 to 60 degrees। पहले 30 डिग्री का था तो शैडो बड़ी थी, जैसे ही 60 का हुआ तो क्या हो गई, शैडो छोटी हो गई, तो वो कितनी छोटी हुई वो हमें फाइंड करनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिफरेंस। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके सब्ट्रैक्ट। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, y इक्वस टू 15√3 माइनस 5√3, ठीक है। हम मैंने क्या किया, इसको इधर भेज दिया, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, है ना, कैसे लिख सकते हो, तो y इक्वस टू √3 कॉमन 15 माइनस 5, तो y इक्वस टू 15 माइनस 5 10√3। चाहो तो इसकी वैल्यू तुम फाइंड कर सकते हो, 10 × 1.732 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, मीटर है तो मीटर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, किसमें गिवन है ये हमें 15 मीटर में, किसमें गिवन है 15 मीटर में। तो देखो अपने आंसर कितना आ गया, 17.32, कितना आंसर आ गया 17.32। तो ये हो गई अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट, एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। इसमें कितने क्वेश्चन है, 28 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब तुम इस एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ना, ठीक है, जितना हो सके अच्छे से मेहनत करनी है। ये एक्सरसाइज इस, देखो 28 क्वेश्चन है और फिक्स इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है ना, तो ज़्यादा इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, तो फिक्स क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा 3 नंबर का एक आता है, कभी 6 का भी आ जाता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना कि किसी भी एक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर किसी भी कोई एक ऐसा चीज़ है कैलकुलेशन करने में कोई मिस्टेक हो, तो कहीं भी कुछ हो तो कॉन्टैक्ट कर लेना। तो आज के लिए केवल इतना ही, अपनी कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 8।